शिक्षा जीवन का आधार इम्तियाज़ डीके। दरअसल हम आपको बता दें कि मिशन तालीम दाखिला के तहत मेवात छात्र एकता ने नूह ब्लॉक के गांव अडबर में मेवात छात्र एकता ने पढ़ाई के प्रति जागरूकता करने के लिए गांव में रैली निकाली और गांव वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने पर जोर दिया। इस प्रकार की जागरूकता रैली मेवात क्षेत्र एकता नूह में सभी ब्लॉकों में चालू करेगा। इस अवसर पर मेवात छात्र एकता के नूह ब्लॉक अध्यक्ष इम्तियाज़ डीके ने गाँव वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेवात में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। हमारे बच्चे गाँव में फ्री घूमते दिखाई देते हैं, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो अपने मौलिक अधिकार को सरकार से कैसे मांगेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और अपने अधिकारों को जानें। और आगे कहते हुए कहा है कि हमारे नूह ब्लॉक के गांव अडबर में टीचर स्टाफ की बहुत कमी है। टीचर्स स्टाफ पूरे नहीं होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पूरे तरीके से नहीं हो पा रही है। इसलिए हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि जल्द से जल्द टीचर स्टाफ उपलब्ध किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई ढंग से की जाए। और यह अभियान पूरे नूह ब्लॉक में चालू किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दाखिल दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अशरफ मेवाती, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरमान खान, प्रिंसिपल अभिषेक, एसएमसी चेयरमैन जयकम, जाहिर साहिल आदि अन्य मौजूद रहे। मैं समझता हूँ कामयाब होगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, अभिषेक जी मैंने इस विद्यालय में 10 साल सेवाएं दी है सर। अभिषेक सर 2003 सितंबर 2003 से लेकर के और अक्टूबर 2013 तक यहाँ रहा हूँ। वैसे तो ऑफिशियली तो जून 16 तक रहा हूँ, लेकिन नवंबर अक्टूबर 13 में मेरा डेप्टेशन हो गया था मॉरल संस्कृति में। और जब मैं इस विद्यालय में कार्यरत था तो मैं एसएस मास्टर के पद पर कार्यरत था और उस समय 7वीं से लेकर 10th तक इंग्लिश में ही पढ़ाता था। जो मेरे दूसरे साथी थे जो भी फ्रेंकली वो ये कह देते थे कि मेरे से एसएसटी कितनी बड़ी क्लास में पढ़वा लेकिन मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता। तो मुझे याद है कि इस विद्यालय का जो डिसिप्लिन था, इस विद्यालय का जो एजुकेशनल स्टेटस था, वो इतना आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं। इस बात के प्रमाण यहाँ आपके रिकॉर्ड में मौजूद है कि 10th क्लास का रिजल्ट लगातार 3 साल अबो 90 था। सामने मुस्तफा एक लड़का खड़ा है आर्मी में, इंडियन आर्मी में हमारा स्टूडेंट रहा है। इस विद्यालय से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स में आ गए, चाहे अडबर की बात करूं, चाहे मैं रायपुरी की बात करूं, चाहे मैं अपने गांव गाँव की बात करूं, चाहे मैं सालाहेड़ी की बात करूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट होकर जॉब कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि ये मिशन तालीम अच्छे ढंग से शुरू किया जाए, जो हमारे बच्चे आजकल गलियों में घूम रहे हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं, एक जगह बैठ करके लूडो खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, दूसरे गेम खेल रहे हैं, ड्रीम इलेवन खेल रहे हैं, अगर उन सबको गाइड किया जाए, उनको समझाया जाए, तो मैं समझता हूँ मेवात में जो क्रिएट है वो उभर सामने आ सकता है। जैसे इनके आज कह रहा था क्विक क्राइम मेवात था, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अभी बच्चा है इसको पता नहीं है, सिर्फ साइबर फ्रॉड के बारे में कह सकता है मेवात आ गई। अगर हम गुरुग्राम की बात करें, फैजाबाद की बात करें, झज्जर रोहतक की बात करें, वहां सरेआम लोगों को गोलियां मार दी जाती है दिन दहाड़े, और हमारे यहाँ पर आज तक ऐसे कोई घटना नहीं है। वहां महिलाओं को किडनैप कर लिया जाता है, लड़कियों को स्कूल जाती छात्राओं को उठा लिया जाता है, लेकिन हमारे मेवात में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। रही बात एफआईआर डिस्ट्रिक्ट की, आगाम चकबक जिले के सच में हमारा जिला सम्मिलित है और उसका सबसे जो मेन कारण है वो एजुकेशन। और एजुकेशन के लिए मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले चैतन भाई आप लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जो गांव के मौजूद लोग हैं जो इन बच्चों के माता पिता है, आप देखते हैं एक समय वो था जब हम और आप पढ़ते थे तब माँ बाप अनपढ़ नहीं थे और मास्टरों को सिर्फ एक वर्ड बोल डालते थे, एक शब्द बोल डालते थे स्कूलों में। उस टाइम सिर्फ यही दो कमरे हुआ करते थे अडबर स्कूल में, दो जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे गांव में अपने में, तो अडबर में सिर्फ ये दो कमरे थे, ये और ये वाला दो ही कमरे थे। और
किन्हीं कमरों से मास्क लिया अनपढ़ वाला जानते होंगे, रतिराम बुद्धराम ये सारे इन्हीं कमरों से पढ़ के निकले, चाहे रतिराम तो रिटायर हो गया है, एस आई बुद्धराम अभी भी है मास्टर लिहाज में भी कार्य कर रहे हैं, और बहुत सारे जो लिहाज वाई में हसन वाई में ये सारे इन्हीं कमरों से पढ़ के निकले, तो तब मास्टरों को ये कहा जाता था कि जी हड्डी हड्डी हमारी और मांस मांस क्या हो, यदि कोई शिकायत लेकर ना आया तो फिर उन्हें ठोक लगे अच्छा तक इतनी चिंता तुम विचारो। आजकल हमारे माँ बाप को ये परवाह नहीं है कि मेरा बेटा रात के 12 बजे कहाँ बैठा हुआ है, तो बिस्तर पर सो रहा है नहीं सो रहा है, और सो रहा है तो मोबाइल चला रहा है या वो पढ़ रहा है या और आराम से सो रहा है, कोई परवाह नहीं हमें। तो मैं मानता हूँ इस पिछड़ेपन का कारण स्वयं है, जब तक हम खुद जागृत नहीं होंगे खुद नहीं चेतेंगे तब तक हमारा इलाका आगे नहीं बढ़ सकता। चेर है खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इंग्लिश में कहावत है गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्फ्स, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम स्वयं को जागरूक होने की जरूरत है, और अगर हम जागरूक हो गए तो फिर हमें किसी से मांगने की जरूरत पड़ेगी ना अपना अधिकार मांगने की जरूरत पड़ेगी। सर मैं बताना चाहूंगा अभिषेक जी, आजकल मेरी पोस्टिंग तैराक आया, जब मैं तैराक में गया था तो हमारे एक साथी, क्योंकि मैं एंकर हूं और एंकर का काम छोटा सा शायर भी हूं, अगर सच बात शायर ना कहेगा तो फिर कौन कहेगा, तो जब मैं वहां पर गया तो हमारे एक साथी बोलते हैं कि यहां तो ऐसा ही चलता है। सच बता रहा हूं, टीचर्स को मैंने ये कहते देखा बच्चों से हर चुपके से निकल जा रहा हूं, स्कूल टाइम 10-11 बजे की बात बता रहा हूं, और फिर और अगर बच्चे पहले लेकर के जा रहे हैं और हम और आप यहां बैठे हैं तो हमने ना नजर डाली है, और अगर नजर भी डाली है कोई गांव का अगर देख रहा है तो हमने ये उपयोग कर लिया है ये दिखाने के लिए कि नहीं हमें पता नहीं है हम उस काम में लगे। फिर ये बात आई कि बच्चे क्लासों में फोकस करते हैं, लड़के लड़की को बैठे भी होते हैं, कोई चुप हुआ नहीं, तो मैंने उनको कहा कि इसके लिए आपको